इनके घर में एक दिन रहने गया था। मतलब ये हम लोग पहले रहते थे थोड़ा दूर, मतलब अंचोली में ही रहते थे। अभी ये जिस घर में रह रहे हैं उन्होंने चेंज किया है, तकरीबन 2-3 साल हुए। सही। तो मैं इनके घर में रहने गया, इनफैक्ट ये चले गए सुबह ड्यूटी पे और मैं अकेला था। इन्होंने कहा कि तुम 2-3 बजे जाके घर लॉक करके और मतलब चले जाना। अच्छा, इन्होंने मुझसे जिक्र तो किया था कि रात के टाइम पे कोई छत पे चलता फिरता है, आवाज आती है, पर ज्यादा मुझे बताया नहीं कि डरवर जाएगा, तो इतनी ज्यादा वो शेयर नहीं करा था। तो खैर मैं इनका घर लॉक वॉक करके बाहर आया, फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अंदर कोई लाइट वाइट खुली रह गई हो, या चेक कर लूं एक दफा कि सही से लॉक हुआ है नहीं। अब मैं अंदर जब दोबारा देख के बाहर जाने लगा तो किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। नाजी मैंने 2 से 3 दफा दरवाजे को पुश किया पर वो नहीं खुला। अब मैं बिल्कुल परेशान कि मैं कहाँ फंस गया, क्या करूँ। मतलब अभी सोच ही रहा था कि एकदम होता है कि इंसान के दिमाग में नहीं आता उस टाइम के क्या सीन। अचानक से मैं दरवाजे पे हाथ रखता हूँ, दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, तो फिर मैं अपने चाचा से जिक्र करता हूँ, कहने लगे ये तो अक्सर होता है कि कुंडी वगैरह लगा देते हैं मगर कभी इन्होंने इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरे मिनाज भाई, मैं थोड़ी सी पुरानी आपको 8-9 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने मतलब ऊपर एक घर कमरा सा बनाया हुआ था ना अपना, तो उधर जो है बराबर वाला घर खाली था हमारा। सही। हमारे घर पे रात को 3-4 बजे हमारा घर जो था उसका दरवाजा मतलब लोहे का था, तो कोई लोहे के दरवाजे पे हल्का सा खटखटाता भी या कोई चीज गिरती थी तो इतनी जोर से एक धमाके जैसी आवाज आती थी कि हम लोग सब उठ जाते थे। होता ये था मिनाज भाई कि हमारे दरवाजे पे बाकायदा कोई पत्थर फेंकता था, और पत्थर मतलब सर्दियों के टाइम पे अगर कोई जोरदार पत्थर मारता है तो इतना शोर होता था कि हमारी पूरी फैमिली उठ के बाहर निकल आती थी और देख रहे हैं तो कोई आदम ना आदमजात बराबर में बिल्कुल खाली सन्नाटा। तो फिर मेरी अम्मी वगैरह ने बहुत ज्यादा आयतें पढ़ना शुरू की, कुरान पढ़ा इनफेक्ट। फिर ये कि पत्थर आना इतने बढ़ गए कि शाम को भी आ रहे हैं, दोपहर को भी आ रहे हैं। जरा ऊंचा बोलेंगे आप प्लीज? मतलब वो पत्थर जो है शाम को भी आना शुरू हो गए, दोपहर को भी आना शुरू हो गए। फिर हमने अलग अलग 3 मौलवियों को दिखवाया, मतलब एक तो पेश नवाज थे मलीर के, वो का जिक्र करूंगा मैं, मौलाना उसमें वो आए, उन्होंने पानी वगैरह दम करके दिया और उन्होंने बताया कि आपके जो घर की बैक साइड है उस पे कोई जिन की वो महबूबा होती है, उनकी 40 फीट लंबी कब्र है, तो वो उस पे आते हैं और उस पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं और आप उनके बच्चे आपको तंग करते हैं। फिर बीच में हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मतलब कुछ पैसे वगैरह घर से खत्म हो गए, मतलब लॉकर के अंदर से। तो ये कि मतलब ये चीजें बढ़ती गई मगर कुछ टाइम बाद हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी, मगर वहाँ पे अभी भी असर है। अच्छा, तो बस यही शेयर करना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब। ओके।